वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि इसके पहले बहुत क्वेश्चंस आए इंस्टाग्राम, बहुत डीएम है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो उसके लिए भी बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, इसलिए ये क्यू एंड ए सेशन जो था वो रखा था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन कवर करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये क्यू एंड ए सेशन रखना चाहता हूँ। इसके बाद जो भी व्लॉग्स आएंगे उसके अपडेट्स इंस्टाग्राम पर मिलते रहेंगे कि कहाँ के व्लॉग आ रहा है करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कैसा है कि कभी कभी नाम में प्रोनाउंसिएशन में नाम कभी कभी गलत हो जाता है, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं क्वेश्चन रीड करूँगा। तो जिसका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो समझ जाएगा। कि पहला क्वेश्चन था कि भाई व्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा लगता है स्टार्टिंग में। तो देखो, स्टार्टिंग में व्लॉगिंग के लिए कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से भी कर सकते हो। मैंने भी फ़ोन से ही स्टार्ट किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम इक्विपमेंट्स लेना पड़ता है व्लॉगिंग में, व्लॉगिंग कर सकते हो, फ़ोन से भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई टूर कैसे प्लान करता है तू। तो देखा, टूर मेरा ऐसे प्लान होते हैं कि जब मेरे को फ्री टाइम होता है, जब मेरा सब होता है कि फ्री होता है, जब मेरे कुछ एग्ज़ाम्स नहीं होते, मेरे कॉलेज के लेक्चर्स नहीं होते, तो वो टाइम पे मैं प्लान करता हूँ। तो एज़ पर मेरा टाइम के हिसाब से, अगर कम टाइम है तो पास की ट्रिप प्लान करता हूँ, अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर दूर की। वैसे अभी कोई दूर का ऐसा ट्रिप हुआ नहीं है, बट प्लान चालू है आने वाले ब्लॉग के लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई नागपुर की बेस्ट जगह कौन सी है वन डे ट्रिप के हिसाब से। तो देखिए, नागपुर की बेस्ट जगह तो ऐसा कोई है नहीं, मतलब बेस्ट बोले तो हाँ ठीक है कि सभी जगह अच्छी है, बट वन डे ट्रिप के हिसाब से अगर घूमने जाना है लॉन्ग ड्राइव, तो मैत्रवन वगैरह आप जा सकते हैं, जो डेगमा के साइड का आपने जैसा व्लॉग देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लो। डेगमा साइड हिडन प्लेसेस वगैरह के मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले थे, तो वहाँ का देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है कि भाई आपका नेक्स्ट टूर कब है। नेक्स्ट टूर देखा, नेक्स्ट टूर मेरा है अभी, जल्दी है, बट अभी कैसा सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में जैसे भी कोविड का थोड़ा चल रहा था, तो घर से परमिशन वगैरह नहीं थी बाहर जाने की। वो है, जल्दी है नेक्स्ट टूर, बहुत जल्दी आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भाई केदारनाथ का व्लॉग कब आएगा, केदारनाथ का व्लॉग कब आएगा। देखो, केदारनाथ का व्लॉग आएगा, जल्दी आएगा। केदारनाथ प्लानिंग चालू थी कि जाना है, बट अभी थोड़ा रुके हुए, बट प्लानिंग है केदारनाथ जाने की। तो है जल्दी, केदारनाथ का व्लॉग भी है, आएगा, भले थोड़ा लेट आएगा या फिर जल्दी भी आ सकता, लेट भी आ सकता, बट केदारनाथ का व्लॉग है, आएगा, जल्दी आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि भाई तुमको मिलना है तो कैसे मिल सकते हैं हम। देखो, मैं मिल जाऊंगा, मैं बहुत बार जैसे मेरे को रास्ते पे लोग मिलता है तो मिल सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कैसा है कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते रहता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या हो, तो वहाँ मिल सकते हो। और मीटअप्स के लिए बहुत जनों ने बोला है, बट अभी मीटअप मैंने कोई प्लान नहीं किया है। अभी अजनीवन में मीटअप प्लान था, तो अजनीवन पे बहुत जनों से मिला था, तो मैं ऐसे मीटअप्स बताते रहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के पेज पे मैं बताते रहता हूँ कि मेरा मीटअप कहाँ प्लान है, कभी कभी ब्लॉग में बता देता हूँ, तो आप वहाँ मिल। तो अभी लेंगे सेवन्थ क्वेश्चन, भाई 1K की पार्टी कब दोगे। भाई वेट वेट वेट, 1K होने का है मेरा, अभी 1K के बहुत 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 पास में है, तो 1K जैसा होगा मैं बताऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट बताऊँगा भाई। तो पार्टी जल्दी करेंगे 1K की, क्योंकि 1K का अचीवमेंट होता है, माइलस्टोन होता है, कि स्टार्टिंग में बिगिनर में 1K होता है कि भाई हो तो बहुत अच्छा लगता है। एट्थ क्वेश्चन है कि भाई घर वालों को कैसे कन्विंस किया तुमने व्लॉगिंग के लिए। देखो यार, मैंने कन्विंस नहीं किया, मैं स्टार्टिंग में बस व्लॉगिंग करते गया, घर पे भी पता नहीं था, तो मेरे घर वाले भी व्लॉग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में कन्विंस नहीं किया, बट वही है कि कंटेंट अच्छा था, सब अच्छा था, तो एक दिन सडनली मम्मी को पता चला, तो उसके बाद बताया कि हाँ ये करता हूँ, तो बस कैसा है कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, तो हो गया फिर। मतलब मेरे घर वाले बहुत अच्छे सपोर्टिव है मेरे लिए, इसलिए मेरे को वो सपोर्ट मिल गया। अब सबका अलग अलग होता है, बट मेरे लिए मेरे मतलब घर वाले बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मेरे को सपोर्ट मिल गया भाई, तो हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन है कि भाई व्लॉगिंग इतना एक्सपेंसिव है तो कैसे मैनेज करते हो टूर्स। तो देखो यार, टूर्स आप सभी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कि जैसे आप कहीं जाते हो, जो भी मतलब आपके एक्सपेंस आते हैं उसको आप कम से कम में भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा में भी कर सकते हो। जब हाँ, जहाँ पे आप रुकते हो या स्टे करते हो, तो कुछ चीप प्राइस में भी रहता है, कुछ हाई रेंज में भी रहता है, तो उस हिसाब से कर सकते हो। तो व्लॉगिंग है एक्सपेंसिव है, बट कैसा है कि आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, कि कैसा करना है, क्या करना है करके। तो अगर आपको लगता होगा तो मैं व्लॉग में हर वो चीज़ बताऊंगा कि जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, तो उसको मैं कितना एक्सपेंस पड़ा है,
कितना वहाँ पे जाने के लिए मेरे को समय लगा, कितना वहाँ पे मेरा मतलब जितना मेरा मनी कंजम्पशन जितना होगा वो मैं उसमें लगे तो आपको सबको बता दूंगा। तो आपको एक मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे अगर आप वहाँ का प्लान कर रहे हो और आपने ब्लॉग देखा है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। अभी 10th क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रिप का कितना कॉस्टिंग आता है। तो भाई देखो कैसा है वही बताया मैं कि भाई ट्रिप का कॉस्टिंग आता है अच्छा खासा आता है। तो देखो यार लॉन्ग डिस्टेंस आ रहे हो तो ज़्यादा कॉस्टिंग है, कम आ रहे हो कम जगह जा रहे हो तो कम कॉस्टिंग है, बट कितने जन जा रहे हो, अगर सोलो जा रहे हो तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, बट वही आप अगर ग्रुप पे जाते हो तो जैसे ग्रुप रहता है तो कॉस्ट कटिंग हो जाता है, वैसा हो सकता है। फिर आप जैसा बाकी MMT वगैरह है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी कॉस्टिंग कम ज़्यादा मिल जाती है। 11th क्वेश्चन है कि भाई इतने कम टाइम में अच्छी ग्रोथ कैसे कर लिया तूने। ये क्वेश्चन किसने तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ है, तो इसका मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था कि कम ज़्यादा कैसा होता है करके, वो एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड है यूट्यूब का। जैसे अभी एल्गोरिथम अभी 2 दिन पहले ही चेंज हुआ है तो वो एल्गोरिथम के हिसाब से रहता है, गूगल जिस तरीके से ट्रेंड करता है तो उस तरीके से होता है वो, कि कैसा मतलब कंटेंट कैसा क्लीन जा रहा है कैसा क्या जा रहा है। 12th क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर तो भी ऐसा कोई है नहीं, सभी सॉफ्टवेयर अच्छा है। जैसा एडोब का प्रीमियम प्रो वगैरह भी अच्छा है, अभी इसका प्रीमियम प्रो प्लस भी आ गया है तो वो भी अच्छा है, तो सभी सॉफ्टवेयर अच्छे हैं एडिटिंग के लिए। बट वही है कि जिसमें एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, मतलब जो हमको यूज़ करने में कंफर्टेबल हो वो अच्छा रहता है। 13th क्वेश्चन है कि भाई जैसे लोग आपको पसंद करते हैं और हेट देते हैं तो क्या करते हो। तो इग्नोर कर देता मैं, आते बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आते हैं, बट अभी यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा चल रहा है कि अगर आप कुछ वो बोलते हैं ना कि जो मिस कमेंट जो लोग लोग करते हैं तो वो यूट्यूब खुद ही डिसअपियर कर देता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक रहते नहीं है, तो बहुत ऐसे आते हैं तो कोई उसका इशू नहीं है। और ये भाई इसने 2 क्वेश्चन पूछा है कि भाई रेडियो मिर्ची में आपको बुलाया गया था तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका। रेडियो मिर्ची में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, दिल से दिवाली के लिए गया था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वो, और फर्स्ट टाइम कोई यूट्यूबर है नागपुर का जो रेडियो मिर्ची गया था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सेकंड क्वेश्चन था कि और ऑल इंडिया यूथ इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ तुम लाइव आए थे और दिल से दिवाली में आपके साथ थे वो, तो उनका साथ कैसा एक्सपीरियंस था। देखो ऑल इंडिया यूथ यूनिटी के जो प्रेसिडेंट है विकास सिंह राजपूत, वो मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, तो उन वो लोग भी थे हमारे साथ दिल से दिवाली में, तो उनके भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था, कोलेब्रेशन बहुत अच्छा था। तो उनके साथ में जब हमने कोलैब किया था तो बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चली कि सोशली चीज़ें कैसी होती है, और रेडियो मिर्ची में भी साथ में थे वो, तो एज अ प्रेसिडेंट उनने मतलब ऑल इंडिया यूथ यूनिटी को जो मतलब इतना अच्छा भी चला है तो बहुत अच्छा है उनके साथ में भी एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा मतलब फ्रेंडशिप हो गई है अभी तो। 15th क्वेश्चन है कि भाई देखो यूथ का सपोर्ट है बहुत बहुत, चैनल भी बहुत अच्छा है, कंटेंट भी क्लीन है, तो डेली व्लॉग व्लॉग क्यों नहीं करता है तू। देख यार मैं डेली व्लॉग इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे दिन के ना काम बहुत ज़्यादा अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए मैं डेली व्लॉग अभी नहीं कर रहा। मैं करूँगा डेली व्लॉगिंग, बहुत जनों ने बोला है तो डेली व्लॉग्स आएंगे, मतलब थोड़ा समय है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई अप्रैल में चालू कर दूँ डेली व्लॉग्स। तो ट्रैवल तो उतना होंगे नहीं, तो जैसे भी कॉलेज वगैरह चालू होता है तो डेली व्लॉग्स मैं डालते जाऊँगा। भाई आफ्टर इंजीनियरिंग क्या प्लान है। आफ्टर इंजीनियरिंग है बहुत सारे प्लान है, धीरे धीरे बताऊँगा, एकदम से इतना नहीं बता सकते। भाई बाहर के ब्लॉग कब आ रहे हैं, बाहर के ब्लॉग्स आएंगे, जल्दी आएंगे। नागपुर के तो भी बहुत सारे ब्लॉग्स कर दिए, नागपुर जितना तो एक्सप्लोर करना था वो तो कर दिया, बाहर के भी आएंगे जल्दी। 18th क्वेश्चन है नेक्स्ट प्लेस और प्लान फॉर योर नेक्स्ट ब्लॉग। प्लेस और प्लान तो अभी कुछ जैसे शेड्यूल हुआ नहीं है, मतलब हुआ है 50% है, 50% होने का है, तो नेक्स्ट ब्लॉग और जो प्लान रहेगा वो इंस्टाग्राम पे अपडेट 1 दिन या 2 दिन पहले हो जाएगा तो पता चल जाएगा। 19th क्वेश्चन है वॉन्ट अ पिक विथ यू एंड योर ट्रेवल पार्टनर। तो देखो यार पिक ठीक है ठीक है, तुमको पिक्चर पिक के लिए बहुत जनों ने बोला है, तो जो लोग मेरे को रास्ते में मिलते हैं फिर झापे में मिलते हैं, जैसा पिछली बार मेरे को LOC में कुछ लोग मिले थे जब मैं लाइफ ऑफ चाय गया होता तो वहाँ पर बहुत लोग मेरे को मिले थे, तो जैसा मैं आपको मिलता हूँ सडनली कुछ भी होता है तो वहाँ पर मैं पिक आप ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे मिलेगा करके। बहुत जनों का ये क्वेश्चन था, ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने निकाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होता था, इसलिए कॉमन क्वेश्चन ही लिया है। लास्ट क्वेश्चन है कि भाई नागपुर की और हिडन प्लेसेस दिखाओ। तो यार देखो नागपुर के और हिडन प्लेसेस तो कुछ है नहीं, जितना था नागपुर उतना एक्सप्लोर कर चुके हैं अभी, और कुछ हिडन प्लेसेस अभी तो बाकी नहीं है। अगर कुछ रहता है, कुछ नई जगह मिलती है तो वो ज़रूर से मैं एक्सप्लोर कर दूंगा आप सभी के लिए,
और बहुत जन बोलते हैं कि भाई एड्रेस आप बताते नहीं हो। तो देखो यार, मैं जब व्लॉग करता हूँ तो मैं रास्ते को भी क्लिप्स बताता हूँ, व्लॉग्स में भी हिंट रहती है, व्लॉग में भी एड्रेस में बता ही देता हूँ, तो आप उस एड्रेस से जा सकते हो। और आपको अगर बहुत प्रॉपर एड्रेस चाहिए तो व्लॉग में आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको एकदम एग्जैक्ट एड्रेस बता दूंगा कि आपको अगर वहाँ जाना है तो कैसा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो कुछ जल्दी डालूंगा मैं, आज सिर्फ एक Q&A से मतलब क्वेश्चन आंसरिंग सेशन मेरे को डालना था, इसलिए मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से पूरे क्वेश्चन तो नहीं ले सकता था इसलिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, तो ये ब्लॉग के लिए रखते हैं। तो अभी जितने लोगों के क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो मैं आने वाले ब्लॉग में कवर कर लूँगा, तो प्लीज़ यार ऐसा मत समझना कि मैं बाकी लोगों के क्वेश्चन नहीं लिया। सो अभी नया ब्लॉग आएगा, जल्दी आएगा, तो थोड़ा सब्र रखना क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हुई है। अभी मैं भी सोच रहा हूँ अभी कंसिस्टेंसी रखूँ चीज़ों में, तो जल्दी आएगा ब्लॉग, उसका टेंशन मत लो। सो गाइस, टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पुअर, हेल्प ईच अदर एंड टेक केयर। बाय बाय।